गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल। आज हम क्लास 7th के साइंस का जो हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन, इसमें हमारा करेंगे आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे हम, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कल हमने पढ़े थे इसमें फैक्ट्स अबाउट फॉरेस्ट, पढ़े थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उन फैक्ट्स में हमने डिस्कस करा कि कैसे जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज जो हैं वो फॉरेस्ट में होती हैं, और जो प्लांट्स जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाटर साइकिल में हेल्प करता है, हमें फ्रेश ऑक्सीजन देता है, और कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी लाइफ में डेली लाइफ में यूज़ होते हैं वो हम सारे कहाँ से लेते हैं, वो हम फॉरेस्ट से लेते हैं। और वो फॉरेस्ट जो है वो आज ख़त्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो मैन है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके टेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट। ड्वेलिंग का मीनिंग होता है हाउस, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स, कि एनिमल्स का जो घर है जंगल में बना हुआ है वो कैसे फॉरेस्ट को बढ़ने में और रीजनरेट करने में, फॉरेस्ट को दोबारा बनने में हेल्प करता है, ठीक है, कि एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में एनिमल्स का क्या रोल है। फर्स्ट है, एनिमल्स ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है, एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सिंग प्लांट सीड्स। डिस्पर्सिंग होता है आगे पीछे करना, चीज़ मतलब सीड्स को एक जगह दूसरी जगह ले जाना, ये एनिमल्स उसके हेल्प करते हैं। जब सीड्स आगे पीछे जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ जो है तरह तरह के पेड़ फिर लग जाते हैं। डिकेइंग एनिमल्स डंग प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो एनिमल्स ख़त्म हो गए होते हैं, डेड हो जाते हैं, डेड होके वो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर जो उनका डंग होता है, जो उनका बचा हुआ होता है, खाद होती है, जो वो क्या करता है प्लांट्स को बढ़ने में वो हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। ह्यूमस होता है जिससे प्लांट्स जो है बढ़ते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को किस में चेंज कर देते हैं, ह्यूमस में चेंज कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड। कि फॉरेस्ट जो है वो फ्लड्स को कैसे बचाते हैं, हमने पढ़ा जो फॉरेस्ट है वो फ्लड आने से बचाते हैं कैसे। प्लांट्स इन द फॉरेस्ट विल नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फॉल डायरेक्टली ऑन अर्थ एंड इट एंड दीज प्लांट्स आल्सो होल्ड वाटर विच हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग फ्लड्स। देखिए, जब पेड़ घने घने होते हैं तो क्या करते हैं, जो बारिश पड़ती है वो डायरेक्ट जो ज़मीन पर नहीं पड़ेगी, वो पहले प्लांट्स पर पड़ेगी, ट्रीज पर पड़ेगी, फिर वो जाएगी ज़मीन पर। और क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं वो रूट्स जो उनकी होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता और फ्लड्स नहीं आते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं और नेम एनी टू ऑफ देम, आपको उनमें से कोई दो बताने हैं, एंड व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में क्या करते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को ह्यूमस में, खाद में चेंज कर देते हैं, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है, कौन से डिकम्पोज होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अगर हम देखोगे डेड एनिमल होता है, डेड कोई मरा होता है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको अंदर अंदर सड़ा रहे होते हैं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स बाई डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल। बैक्टीरिया हेल्प करते हैं जो बॉडी जो ख़त्म होती सड़ गई होती है उससे उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करने के लिए, जो एक डेड बॉडी से दोबारा न्यूट्रिएंट्स बनाने में हेल्प करते हैं डिकम्पोजर्स। नाउ फोर्थ, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज़ नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। कि फॉरेस्ट में कोई भी वेस्ट नहीं होता है, कोई वेस्ट चीज़ नहीं होती है। देयर इज़ नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट बिकॉज वेस्ट क्रिएटेड इज़ बायोडिग्रेडेबल विच गेट्स कन्वर्टेड टू ह्यूमस बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल जो भी वेस्ट होता है उसको चेंज कर देते हैं ह्यूमस में, ठीक है, ऐसी खाद में चेंज कर देते हैं जिससे न्यूट्रेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज टेक्सचुअल क्वेश्चंस, कि एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स डिवेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट ग्रो एंड रीजनरेट, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड्स, एंड व्हाट आर डिकम्पोजर्स, नेम एनी टू ऑफ देम, व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट, एंड एक्सप्लेन व्हाई देयर इज़ नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। तो प्लीज़ बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये जो टेक्स्चुअल क्वेश्चन है अपने साइंस की कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एंड थैंक यू।